Road communication between Silchar and Haflong has been partially restored after communications were snapped on Thursday following heavy overnight rains and storms which lashed through Dima Hasal district. The stretch between Jatinga to Haflong has also been restored. However, plying of heavy vehicles has been restricted on the stretch of road for the time being. As the weather cleared up, there is hope that full restoration of road communication will take place soon. कल बारिश के कारण यह हाफलोंग सिलचर रोड और साथ में यहाँ का जो गुवाहाटी हाफलोंग सिलचर रोड भी बंद हो गया था और साथ में देखा गया था कि रेलवे भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है फिलहाल। और आप थोड़ी देर पहले जो है हाफलोंग सिलचर रोड भैया जाटिंगा होकर जाने वाला रोड भी अभी खोल दिया गया है, टेम्पोरारी रिस्ट्रिक्शन हुआ है, लेकिन बड़े गाड़ी को अभी भी जाने नहीं दिया जा रहा है। जो बिटवीन सिलचर और हाफलोंग का बीच में ये अभी अगर आज का अगर मौसम का बात करें तो मौसम काफ़ी अच्छा है और ये मौसम अगर ये कंटिन्यू रहा तो शायद धीरे धीरे फुली रिस्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है अगर फिर से बारिश देता है तो ज़्यादातर फिर से ये जो है मौसम बिगड़ने से फिर से रास्ता ब्लॉक होने का चांसेस है। लेकिन फिलहाल आज सुबह 5 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी गाड़ी को रोक के रखा था और लगातार कॉन्स्टेंटली उसका जो है रोड को रिस्टोर करने में लगा हुआ था। और फिलहाल अभी हाफलोंग सिलचर रोड जो है रिस्टोर हो गया है और अभी गाड़ी आना जाना हो रहा है। और अगर एक बात करें कि जो धीमा हासाव में बहुत सारे जो घर जो है अभी जो कल जो बारिश के कारण बहुत सारा घर डैमेजेस हुआ है और वो डैमेजेस को भी अभी कितना नुकसान हुआ कितना घर हुआ उसका इस्टीमेट लेने के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल की तरफ से कॉन्स्टेंटली यहाँ पर लगातार लोगों के साथ संपर्क कर रहा है। इसी के साथ मैं सदैव नॉर्थ ईस्ट लाइव धीमा हासाव।